Yes, next time is Pythagoras theorem, which is the one of the most important theorems in your chapter 6. So iska statement read kar deta hu main yahan pe. Statement given hai, in right angle triangle the square of the hypotenuse equal to the sum of the squares of other two sides. So yahan pe ek maine triangle draw kar rakha hai ABC, and is triangle ABC ke andar angle B jo hai wo 90 degree show kar rakha hai. Aur aapko pata hoga ki 90 degree angle ke samne jis front mein side hoti hai hypotenuse. So yahan pe humne solution mein diya hai given. So given kya bana, in triangle ABC is a right angle triangle. Dhyan se dekhiyega given kya hai, triangle ABC is a right angle triangle in which angle ABC is equal to 90 degree. जो यहाँ पे मिड वैल्यूज होती है, मिड पॉइंट होता है, वो एंगल को शो कर रहा होता है. सो एंगल बी क्या है यहाँ पे 90 डिग्री है. उसके बाद प्रूफ क्या करना है, ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर. तो प्रूफ मीन ये प्रूफ अपनी जस्टिफाई कैसे किया उसको देखिएगा. ए सी स्क्वायर, सो यहाँ पे बोला गया है द स्क्वायर ऑफ हाइपरटेन्यूज. सो यहाँ पे हाइपरटेन्यूज क्लियर है क्या बनी ए सी. तो द स्क्वायर ऑफ हाइपरटेन्यूज मीन ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर्स sum of the squares of other two sides. So mean AB square plus BC square. So AC square is equal to AB square plus BC square. Next is third point is construction. So construction क्या करना आपको, construction हमने किया है draw BD perpendicular on AC. हमने B से एक line एक side draw की है BD किस पे AC पे. So हमने write कर दिया draw BD perpendicular on AC. And next is proof. So proof करने से पहले इसको प्लीज राइट डाउन कर लीजिए. सो फर्स्टली वी टेक टू ट्रायंगल ए डी बी एंड ट्रायंगल ए बी सी. यहां पे हम दो ट्रायंगल स्टार्टिंग लेने जा रहे हैं, ट्रायंगल ए डी बी. सो इन ट्रायंगल ए डी बी एंड ट्रायंगल ए बी सी, ये दो ट्रायंगल हमने पिक किए हैं. बहुत ट्रायंगल्स को सिमिलर बनाने जा रहे हैं हम. तो सिमिलर कैसे बनाएंगे देखेगा. एंगल ए इज इक्वल टू एंगल ए. एंगल ए इस ट्रायंगल एडीबी का भी पार्ट है और एंगल ए ट्रायंगल एबीसी का भी पार्ट है. सो यहां पे ये बन गया कॉमन एंगल. दिस इज कॉमन एंगल, राइट. सो ये कॉमन एंगल बन गया. उसके बाद देखिएगा एंगल डी जो है वो ट्रायंगल एडीबी में 90 डिग्री आ रहा है और एंगल बी जो है वो एंगल एबीसी में 90 बन रहा है. सो ये ईच 90 डिग्री हो गया. सो एंगल एडीबी इज इक्वल टू एंगल एबीसी और हमने यहाँ राइट किया ईच 90 डिग्री. सो यहाँ पे हमने दो एंगल इक्वल कर दिए हैं. सो बाई ए सिमिलरिटी, बाई ए सिमिलरिटी से क्या बन गया, ट्राइंगल सिमिलर बन चुके हैं. सो ट्राइंगल ए डी बी सिमिलर टू ट्राइंगल ए बी सी. ये बहुत ट्राइंगल क्या बन चुके हैं, सिमिलर बन चुके हैं. सो नेक्स्ट ट्राइंगल यदि सिमिलर हो जाते हैं तो उसकी कोरस्पॉन्डिंग साइड्स क्या होती है, प्रोपोर्शनल होती है. बिकॉज एनी टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर देन रेशियो ऑफ कोरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल. सो यहाँ पे कौन सी कोरस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल करेंगे वो देखेगा. यहाँ पे हम रिलेशन निकालेंगे ओनली टू साइड के बीच में, बेस एंड हाइपोटेन्यूज के बीच में. यहाँ परपेंडिकुलर के बीच में रेशियो क्यों नहीं निकालेंगे वो देखेगा. यहाँ इस ए डी बी का परपेंडिकुलर क्या आपके पास, बी डी. और सी डी बी के अंदर परपेंडिकुलर कौन सा आ रहा है, बी डी आ रहा है. सो ये कॉमन साइड बन रही है. सो कॉमन साइड को हम अलग कर देते हैं. सो यहाँ रेशियो ऑलवेज बेस एंड हाइपोटेन्यूज के बीच में ही निकालेंगे. सो ए डी बी के अंदर ए डी बी में बेस क्या लिया मैंने, ए डी. सो बेस यहाँ पिक कर लिया. उसके बाद देखिए मैंने ट्राइंगल ले रखे हैं ए डी बी और ए बी सी. सो ए डी बी के अंदर बेस लग गया मैंने ए डी और ए बी सी के अंदर ऑलवेज ए सी जो है वो तो हाइपोटेन्यूज है. सो ए सी पिक कर रखी है मैंने हाइपोटेन्यूज. उसके बाद आपके पास दो ऑप्शंस है बेस लग करने के, ए बी और बी सी. सो जब आपने ए डी बी के अंदर ए डी बेस लिया है तो उसके नियरेस्ट साइड है ए बी. तो इस ट्रायंगल ए बी सी का बेस कौन सा बनाओगे आप, ए बी बनाओगे. सो यहाँ पे मैंने लिखा बेस अपॉन बेस. सो ए डी बी का बेस क्या बना स्टूडेंट्स, यहाँ बना ए डी और ए बी सी का बेस क्या बना ए बी. तो वापस एक बार रिपीट कर देता हूँ आपको यदि कोई कंफ्यूजन हो तो. इस ए डी बी ट्राइंगल के अंदर आपने बेस लिया है ए डी. उसके बाद अब मैं सिलेक्ट करने जा रहा हूं बेस किसका, ट्राइंगल ए बी सी का. आपके पास दो ऑप्शंस है बेस सेलेक्ट करने की, ए बी और बी सी. जब मैं ट्राइंगल ए डी बी का बेस ए डी लूंगा तो ए बी सी का बेस आप लोगे ए बी. बिकॉज ये ए बी जो है वो नियरेस्ट टू ए डी है
और जब ट्रायंगल सी डी बी के अंदर बेस होगा सी डी, तो आप ए बी सी का बेस कौन सा सिलेक्ट करोगे आप, बी सी, बिकॉज बी सी किसके नियरेस्ट आ रहा है, सी डी के नियरेस्ट आ रहा है। तो समझ गए आई थिंक। सो बेस अपॉन बेस, तो ए डी तो किसका बेस बना, ए डी बी का, और ए बी सी का बेस बना क्या, ए बी, ठीक है। सो ए डी अपॉन ए बी इज इक्वल टू, उसके बाद रिलेट करने जा रहा हूं मैं हाइपोटेन्यूज अपॉन हाइपोटेन्यूज। So, ADB के अंदर हाइपोटेन्यूज कौन सा है, AB है, बिकॉज यहाँ 90 डिग्री है, तो जस्ट फ्रंट में क्या होगा, हाइपोटेन्यूज होगा। सो ADB का हाइपोटेन्यूज क्या बना, AB। सो AB अपॉन अब उसका देखिएगा, ABC का हाइपोटेन्यूज कौन सा है, AC है, सो अपॉन में क्या आ गया, AC। और यदि इसके अंदर भी कोई डाउट है तो एक सॉर्ट ट्रिक बताने जा रहा हूँ आपको, तो जल्दी कर लोगे इससे आप। यहाँ देखिएगा AD corresponding side आ रहे हैं पास, AD का corresponding side क्या है यहाँ पे, AB है, तो बना दोगे AD upon AB, right? उसके बाद देखोगे आप AB, so AB बना आपके पास ये, और उसके बाद ये क्या होगा AC, तो dividing क्या आ गया, AC आ गया, right? Because मैंने DB यहाँ पे लिया है नहीं, मैंने DB के बारे में क्या बोला था, इसको हम अलग कर देंगे क्योंकि perpendicular बन रहे हैं यहाँ पे, वापस देखिएगा corresponding side ratio बना रहे हैं यहाँ पे, so AD upon AB, तो starting two points आ गए आपके पास, AD upon AB। उसके बाद देखिएगा लास्ट पॉइंट एंड फर्स्ट पॉइंट देखिएगा, AB अपॉन AC, सो AB अपॉन क्या आ गया, AC आ गया। तो आप इस तरीके से सॉल्व कर सकते हो, AB मल्टीप्लाई AB कर दो तो क्या आ जाएगा, AB स्क्वायर इज इक्वल टू AD मल्टीप्लाई AC करेंगे तो क्या आएगा, AD डॉट AC, दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो यहां तक हमने क्लियर कर लिया। उसके बाद नेक्स्ट टू ट्रायंगल पिक करने जा रहा हूं मैं यहां पे, CDB। सो यहां पे नेक्स्ट ट्रायंगल लिया मैंने, इन ट्रायंगल CDB and triangle ABC, sorry CBA, यहाँ पे ये element CBA, in triangle CDB and triangle CBA, ताकि corresponding side का ratio easily बन जाए मेरे पास। तो यहाँ पे दो triangle हमने पहले starting में similar कर दिए थे, तो हमने write करेंगे similarly, so हमने write किया यहाँ पे similarly triangle CDB, similar triangle CBA, ये दो ट्रायंगल सिमिलर ऑलरेडी हो चुके हैं क्योंकि आपने पहले कर दिया, तो हमने सिमिलर राइट कर दिया है। तो उसके बाद कोरस्पोंडिंग साइड का रेशियो कैसे बनाएंगे वो देखिएगा, CDB के अंदर बेस क्या आ रहा है, CD आ रहा है, तो हमने राइट किया आप बेस अपॉन बेस। अब यहां देखिएगा CBA का बेस क्या होगा, बेस क्या लोगे आप, CB लोगे, बिकॉज मैंने बताया था उसके नीयर साइड लेनी है आपको, तो CD बेस किसका बना, CB, CDB का बना, तो CB किसका बना, CBA का बना, तो CD अपॉन CB, तो CD अपॉन क्या हो गया, CB इज इक्वल टू। उसके बाद देखिएगा हाइपोटेन्यूज, CDB का हाइपोटेन्यूज क्या आपके पास, CB है, तो यहां लिख दीजिए CB अपॉन में, और CBA का हाइपोटेन्यूज क्या है, वो ऑलरेडी फिक्स है, कौन सा, CA या AC, तो इसको लिख दिया मैंने AC। और इसके बाद यदि कोई वापस कोई डाउट है तो वापस इस तरह चेक कर लीजिए आप, स्टार्टिंग टू पॉइंट CD अपॉन CB, तो CD अपॉन CB, एंड नेक्स्ट लास्ट एंड फर्स्ट टू पॉइंट CB अपॉन सी ए या ए सी, तो सी बी अपॉन ए सी हो गया। अब कर दीजिए इसको क्रॉस मल्टीप्लाई, सो सी बी बोल दो या बी सी बोल दो, बात एक ही है, सो मैंने इसको बोला बी सी मल्टीप्लाई बी सी, तो ये हो गया बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी मल्टीप्लाई किससे होगा, सी डी से, तो आ जाएगा ए सी डॉट सी डी, दिस इज इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब करना क्या, सिर्फ एड करना आपको, सो एडिंग इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड इक्वेशन नंबर सेकेंड एड कर दीजिए यहाँ पे, सो लेफ्ट प्लस क्या हो जाएगी, लेफ्ट हो जाएगी, तो बन जाएगा ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू, और राइट हैंड साइड देखिएगा इसकी ए डी डॉट क्या आपके पास ए सी, प्लस में यहाँ पे आ रहा है ए सी डॉट सी डी, और यहां से कॉमन क्या ले सकता हूं मैं, देखिए दोनों में क्या आ रहा है, ए सी आ रहा है, जैसे कॉमन लिया यहां से, तो इन साइड क्या बना आपके पास ए डी प्लस सी डी, वापस देखिएगा इसको, ए सी यहां से कॉमन निकाला, सो इन साइड क्या बना ए डी प्लस सी डी, और ए डी प्लस सी डी की वैल्यू क्या हो जाएगी, डायग्राम देख सकते हो आप इसको, ए डी प्लस सी डी, ए डी प्लस सी डी क्या होगा ए सी हो जाएगा, तो मैंने राइट कर दिया ए सी मल्टीप्लाई ए डी प्लस सी डी क्या हो गया ए सी, राइट इज इक्वल क्या रनिंग कर रहा है ए बी स्क्वायर प्लस में क्या हो गया बी सी स्क्वायर, और इधर भी राइट कर दीजिए आप ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, राइट, सो ए सी मल्टीप्लाई सी क्या आ गया ए सी स्क्वायर, एंड इधर क्या बन गया आपके पास ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, और आपको ये क्या करना था प्रूव करना था, बिकॉज ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ रहा है ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर आ रहा है, मीन क्या इसका द स्क्वायर ऑफ हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज क्या आपके पास ए सी है, सो द स्क्वायर ऑफ हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ अदर टू साइड्स, सो ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, तो ये क्या होती है आपके पास पाइथागोरस थ्योरम प्रूव होती है।
So now students, I'm going to start Converse of Pythagoras theorem, but before the start this lecture, I'm telling you difference between Pythagoras theorem and Converse of Pythagoras theorem. So मैं आपको डिफरेंस इसलिए बताना चाह रहा हूँ यहाँ पे ताकि आप इस कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम को अच्छी तरह से रिलेट करके उसको तरीके से समझ पाए. सो वहां हम पाइथागोरस थ्योरम में क्या हमको गिवन होता था, ये देखिएगा क्या गिवन होता था. वहां पे राइट ट्रायंगल गिवन होता था और प्रूव क्या कर रहे थे हम, द स्क्वायर ऑफ हाइपरटेन्यूज इज इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ अदर टू साइड्स. So, वहां हमको जो गिवन था राइट ट्रायंगल वो हमको यहाँ प्रूव करना है, और वहां जो प्रूव करना था वो यहाँ पे गिवन होगा. सो इसका ये डिफरेंस था. और नेक्स्ट देखिएगा क्या होगा, यहाँ पे स्टेटमेंट देखिएगा यहाँ पे क्या है इसका, इन अ ट्रायंगल इफ द स्क्वायर ऑफ वन साइड इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द अदर टू साइड्स. सो वहां पाइथागोरस थ्योरम में ये स्टेटमेंट आपको प्रूव करना था, बट यहाँ पे क्या है, गिवन है. Then the angle opposite to the side is a right angle. So यहाँ पे आपको right angle show करना है. So वहाँ वो right triangle given था, but यहाँ right angle show करना होगा. So given बन गया कि आपका in triangle ABC in which AC square is equal to AB square plus BC square. और ये given कैसे बना देखिएगा, starting में आपको दे रखा है the square of one side, the square of one side. So AC square is equal to sum of squares of other two side mean AB square plus BC square. So हमने ये जज कर लिया कि given ये हमारा होने वाला है. So next is to prove part. To prove part क्या करना आपको, कि जो side दे रखी हो जैसे उसका opposite angle क्या होना चाहिए, right angle होना चाहिए. So angle आपके पास जो बन रहा है वो angle ABC बन रहा है इस side के opposite. Hypotenuse के opposite क्या बन रहा है आपके पास, angle ABC. और ABC को क्या दिखाना आपको, 90 degree show करना है. So 90 डिग्री शो कैसे करेंगे वो देखिएगा. नेक्स्ट होगा आपके पास कंस्ट्रक्शन पार्ट. सो ड्रॉ अ ट्रायंगल PQR, ड्रॉ अ ट्रायंगल PQR इन व्हिच PQ इज इक्वल टू AB एंड QR इज इक्वल टू BC एंड PQR इज इक्वल टू 90. हमने एक अनदर ट्रायंगल ड्रॉ किया है, कौन सा, PQR. इस ट्रायंगल PQR के अंदर हमने PQ को किसके इक्वल किया, AB के, एंड QR को किसके इक्वल किया, BC के, एंड एंगल PQR को हमने बना दिया 90 डिग्री. एंड नेक्स्ट होगा आपका प्रूफ पार्ट, बट प्रूफ पार्ट करने से पहले इसको पॉज करके प्लीज राइट जरूर करें. सो हम प्रूव करने जा रहे हैं कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम. सो प्रूव करने के लिए हमने ट्रायंगल फर्स्ट पिक किया, कौन सा ट्रायंगल, PQR. सो इन ट्रायंगल PQR, इन ट्रायंगल PQR. सो इस ट्रायंगल PQR के अंदर हमारा कंस्ट्रक्शन पार्ट क्या था, एंगल PQR इज इक्वल टू 90 डिग्री. और यदि कोई भी ट्रायंगल के अंदर वन एंगल आपके पास 90 डिग्री हो, सो वो ट्रायंगल बनता है राइट एंगल ट्रायंगल. और इस ट्रायंगल में हम पाइथागोरस थ्योरम यूज कर सकते हैं. तो इस ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम यूज करने जा रहा हूँ. सो स्क्वायर ऑफ हाइपरटेन्यूज इज इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ अदर टू साइड्स, राइट. सो बना क्या आपके पास, PR स्क्वायर इज इक्वल टू PQ स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर, राइट. सो नेक्स्ट इज आपने जो कंस्ट्रक्शन किया था वो किया था PQ इज इक्वल टू AB. आपने इस PQ को किसके इक्वल किया था, AB के. एंड नेक्स्ट आपने किया था QR इज इक्वल टू BC, राइट. सो PQ इज इक्वल टू AB एंड QR इज इक्वल टू BC. सो उसको मैं यहां पे पुट कर सकता हूं वैल्यूज को. सो PR स्क्वायर इज इक्वल टू क्या बनेगा, PQ, वैल्यू PQ क्या आपके पास, AB, वो यहां पुट कर दीजिए तो बन जाएगा AB स्क्वायर प्लस एंड वैल्यू ऑफ QR इज BC. सो पुट कीजिए नेक्स्ट, सो ये हो जाएगा BC स्क्वायर, बिकॉज़ यहां पे स्क्वायर चल रहा है. सो वैल्यू ऑफ जैसे PQ यहां AB पुट करोगे देन उसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर प्लस में क्या आएगा, वैल्यू QR, वैल्यू QR के आपके पास BC है तो पुट कर दीजिए क्या हो जाएगा, उसका भी स्क्वायर हो जाएगा आपके पास, राइट. सो नेक्स्ट इज ये क्या हो गया आपके पास, इक्वेशन नंबर फर्स्ट. एंड नेक्स्ट आपका जो गिवन पार्ट था, गिवन पार्ट क्या था, इन ट्रायंगल ABC द स्क्वायर ऑफ हाइपरटेन्यूज इज इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ अदर टू साइड. सो नेक्स्ट इसको मैं यूज करने जा रहा हूं यहां पे, इन ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल ABC द स्क्वायर ऑफ हाइपरटेन्यूज, सो AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर. सो दिस इज इक्वेशन नंबर सेकंड, राइट. सो यहाँ पे आप देख सकते हो कि इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड के अंदर उसकी जो लेफ्ट राइट हैंड साइड है वो कंप्लीटली क्या आ रही है, इक्वल आ रही है.
सो जैसे यहाँ पे राइट हैंड साइड इक्वल है तो उसी तरह से यहाँ लेफ्ट हैंड साइड भी क्या हो सकती है, इक्वल हो सकती है। सो हमने राइट किया यहाँ पे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड, सो नाउ वी गेट PR square is equal to AC square। वापस रिपीट कर देता हूँ, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को हमने लिया है यहाँ पे और उसकी जो राइट हैंड साइड दे रखी है, इस इक्वेशन सेकंड की राइट हैंड साइड है बहुत ही क्या इक्वल है, तो राइट हैंड साइड जब इक्वल है स्टूडेंट्स तो वहाँ लेफ्ट हैंड साइड भी क्या होगी, इक्वल हो जाएगी। सो PR square इक्वल टू क्या हो गया, AC square हो गया और यहाँ से स्क्वायर क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। सो PR is equal to क्या आ गया आपके पास, AC। सो वैल्यू PR हो गया आपके पास AC इक्वल। सो आपका टारगेट यहाँ पे ये था कि एंगल ABC को बनाना था 90 डिग्री। सो ABC एंगल ABC को आप 90 डिग्री कैसे बना पाओगे, यहाँ पे एंगल क्यों क्या है 90 है, सो एंगल क्यों 90 तो एंगल BB क्या हो जाएगा 90, और वो किस तरीके से होगा, वो हम करेंगे इन दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करके, बिकॉज यदि कोई टू फिगर्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो उनके कोरस्पॉन्डिंग पार्ट क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। सो हमारा टारगेट होगा नेक्स्ट क्या, इन बोथ ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करना। सो कॉन्ग्रुएंट किस तरह से करेंगे, देखिएगा, इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR, ये हमने पिक किया है और इन दो ट्रायंगल के अंदर कौन कौन सा है इक्वल है वो देखते जाइए यहाँ पे, क्या AB इक्वल है PQ के, यस इक्वल है, क्यों, क्योंकि तो आपका क्या था भाई, कंस्ट्रक्शन पार्ट था राइट, भाई कंस्ट्रक्शन राइट। सो नेक्स्ट इज BC इज इक्वल टू QR, BC इज इक्वल टू QR, ये भी हमने क्या किया था भाई, कंस्ट्रक्शन के थ्रू किया था राइट। नेक्स्ट अब आपने यहाँ पे प्रूव कर दिया PR इज इक्वल टू AC, सो PR इज इक्वल टू AC, तो इसको राइट कर दिया मैंने AC इज इक्वल टू PR, और इसको यहाँ पे क्या राइट करूंगा, प्रूव्ड अबव कि हमने पहले इसको प्रूव कर लिया है। सो यहाँ पे कितने साइड प्रूव कर दिया हमने, कितने साइड इक्वल बना दी, 3 साइड्स। सो यहाँ रूल अप्लाई किया बाई SSS कॉन्ग्रुएंसी रूल, SSS कॉन्ग्रुएंसी रूल राइट। सो SSS कॉन्ग्रुएंस रूल से क्या होगा, ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल PQR, यदि टू ट्रायंगल्स की 3 साइड इक्वल होती है, सो वहां रूल यूज होता है SSS, मीन 3 साइड इक्वल कर दी हमने, और 3 साइड इक्वल होते ही वो ट्रायंगल क्या बन जाते हैं, कॉन्ग्रुएंट बन जाते हैं, और जैसे ही ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो वहां पे हम सीपीसीटी रूल यूज कर सकते हैं, और ये सीपीसीटी रूल क्या है, क्या है कि कोरस्पोंडिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स आर इक्वल राइट। सो यहाँ पे होगा एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू इज इक्वल टू 90 डिग्री, और इसका रीजन ऐड कर देंगे अपन बाई सीपीसीटी, सीपीसीटी मीन कॉन्ग्रुएंट कोरस्पोंडिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। सो आपका क्यू जो था वो 90 था, तो बीबी क्या होगा 90 होगा, सो बाई सिंपलिसिटी कर दिया एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू इज इक्वल टू 90 डिग्री, सो देयरफॉर एंगल ABC इज इक्वल टू 90, सो हेंस प्रूव राइट।